नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से ये सामने आ रही है कि अंबाला के कोविड-19 सेंटर में से एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया। और इस वक्त तस्वीरें हम आपके सामने सबसे पहले एक्सक्लूसिव उस जगह से लेकर हाजिर हो रहे हैं जहाँ से बंदी फरार हुआ। ये मेरे पीछे जो खिड़की आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्रिल है ये कटी हुई है और उसके साथ साथ जो जाली यहाँ पर खिड़की पर लगाई गई थी उसे भी काटा गया है और यहीं से बंदी जो है वो फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि 302 का मामला जो है इस बंदी पर दर्ज किया गया था। चंडी मंदिर से इसे गिरफ्तार किया गया था और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इसे अंबाला के इसी कोविड-19 सेंटर में रखा गया था जहाँ से ये बंदी आज फरार हुआ है। सीधे तौर पर ये ग्रिल काटी गई है, उसके बाद जो जाली है वो काटी गई है और फिर कूलर जो यहाँ पर ये रखा है इसे धक्का देकर यहाँ से जो बंदी है वो फरार हो गया। और अब पुलिस जो है बंदी की तलाश में जुट गई है, मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बार दिखा दूं कि पूरी तरह से सुनसान जो ये जगह है, ये एक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता ऐसी जगह है। और ये किसी के भागने के लिए, खासतौर पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अगर कोई है उनके भागने के लिए बहुत ही सही जगह कही जा सकती है, क्योंकि ना तो इस तरफ कोई पहरा है, ना यहाँ पर पुलिस की कोई सुरक्षा इस तरफ पीछे की तरफ नज़र आ रही है और ना ही यहाँ पर कोई भी अस्पताल का जो कर्मचारी है वो नज़र आ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि अंबाला से एक बंदी फरार हुआ। इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ धाराएं लगाई हैं, अब क्या कुछ SHO का कहना है, उसके लिए बातचीत करेंगे पुलिस के साथ। लक्की कुमार सनोप, राकेश कुमार वासी कच्चा बेरी रोड रोहतक, मुकदमा नंबर 182/2020 302-201-120B थाना चंडी मंदिर में बंदी हवालाती था। उसको 8 तारीख को पुलिस रिमांड पे लिया गया था। रिमांड पे लेते समय जब उसका कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आया था। 11 तारीख को उसको जुडिशल में रखने के लिए सेंट्रल जेल अंबाला लाया गया तो जेल प्रशासन ने कहा कि भाई कोविड पॉजिटिव है, इसको अभी आइसोलेट रखो, जब इसका आइसोलेशन कम्प्लीट हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तब हम इसको अंदर लेंगे। वो आइसोलेशन के लिए मिशन हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया हुआ था। 11 अगस्त से वो वहाँ पे था। वो जिन एरिया में रह रहे हैं उस बिल्डिंग की चाबी मिशन हॉस्पिटल के चौकीदार के पास ही रहती थी। वो जब भी हमारे मुलाजिम उसको चेक करते थे, उसको चेक करने के बाद वो ताला बंद करके रात को और चौकीदार के पास ही चाबी रहती थी। तो सुबह ताला खोला तो पता लगा कि भाई लक्की कुमार पीछे की खिड़की तोड़ के फरार हो गया। सर कितने बजे सुबह चेक किया गया था? सर सुबह 5:30 बजे। तो हमने जो कार्ड इंचार्ज है उनके बयान पे लक्की कुमार के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, टीम ने गठित की है, उसकी तलाश की। तो सुना आपने कि किन संगीन धाराओं के साथ ये बंदी जो है वो गिरफ्तार किया गया था और इसे अंबाला के सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से इसे अंबाला के इस कोविड-19 सेंटर में रखा गया था जहां से मौका देखकर आज सुबह 5:30 बजे ये बंदी फरार हो गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इस बंदी को गिरफ्तार कर लेती है दोबारा से, क्योंकि ये बंदी कोरोना संक्रमित है और ये किस किस के संपर्क में आता है ये बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।